खाकी ने ली एक युवती की जान। देखिए ये पुलिस वालों की हत्या करी गई है सामने से, हमारी बड़ी बहन का पुलिस वाले हत्या कर दी अभी तत्काल मौके पे, हमको न्याय चाहिए भाई। खाकी ने की मारपीट। पुलिस मारी है। लेडीज पुलिस, जेंट्स पुलिस। तुम्हारी बहन को भी मारी है। खाकी पर दुष्कर्म का आरोप। साहब यहाँ पुलिस आई ले 25 के दुगो लेडी, दरवाजा खुला था, सब ऊपर हेले हैं, हेल के मारपीट किए हैं, उसके साथ जबरदस्ती भी हुआ है, और उसके बाद जब हम लोग भागे हैं, जब हम आए हमको कोई बताया, जब आए देखे वहाँ बाड़ी पड़ी है, छोटी बहन को मारे हैं, सब उसका कपड़ा वपड़ा सब बलात्कार अंदर में सब छाती वाती सब पकड़ रहे थे। मर गई अभी? हाँ लड़की मर गई, वो मेरी बहन। कोई घर पर नहीं था, हम जब रो रहे थे सब हमको बुलाया, हम काम पर से आए। तो आपका कहना है कि पुलिस के मारने से मरी? जी पुलिस 100% पुलिस पूरे घर में गई थी, सब लड़की दोनों चिल्ला रही थी, सब भाव भी लगा है, गलत काम भी कर रहे थे, फांसी लगा के उसको मारा गया। ये मामला है चंदोली का, जहां पुलिस पर आरोप है मारपीट का, आरोप है रेप का। एक बेटी पुलिस के गुनाहों की आप बीती सुना रही है। वो लोग कहने लगे कि आप तुम लोग गुंडे गुंडे की बेटी हो और तुम लोग को यहाँ से उठवा के ले जाएंगे, तो हमको ऐसे क्यों कर रहे हैं आप लोग, तो फिर मारने शुरू कर दिए हमको, हमको मारे। फिर दीदी वहाँ से आई, देखी तो उस दूसरे रूम में भागने लगी, तो वो सब उनको भी मारने लगे, मुझको इस रूम में 8-10 लोग पकड़ के लेडीज और जेंट्स दोनों मार रहे थे, और उस वाले रूम में दीदी को सब मार रहे थे। उसके बाद ये लोग नीचे से कुर्सी लेके गए उस रूम में, हम यहाँ पे थे, हमको सर आप लोग क्या करे, उसका हाथ पकड़े, मेरा ब्लड उसके हाथ पे लगा पुलिस वाले के, दो तीन लोगों को रोकने की कोशिश किए, लेकिन उसके बाद वो लोग नहीं माने, फिर कुर्सी अंदर लेके गए और फिर वहाँ से बाहर चले आए, तो हम गए तो देखे तो ये लोग मार कर दी को वहाँ पे साड़ी से बांध कर लटका दिए, ताकि ये साबित किया जाता कि आत्महत्या है। मामला है चंदोली के सैदाराज में, जहाँ गैंगस्टर कन्हैया यादव के घर पुलिस दबिश देने पहुंची थी। आरोप है कि दबिश के दौरान पुलिस ने कन्हैया की बेटियों को मारा, जिसमें से एक बेटी की मौत हो गई। पुलिस पर आरोप है कि पुलिस ने घर में घुसकर बेटियों से मारपीट की, घर की बड़ी बेटी को पुलिस दूसरे कमरे में ले गई जहां मारपीट की गई। आरोप है कि पुलिस की मारपीट में युवती की मौत हो गई, जिसे पुलिस ने पंखे से लटका दिया ताकि एंगल आत्महत्या का हो। सुनिए आप। पुलिस हमको प्रताड़ित करती रहती है हमेशा, 8 महीने से हमारी दुकान बंद करवा दी रही थी, और हमारे पर 2 मुकदमे थे, एक 151 और एक ये बिजली विभाग का, उस पर हमारे पर गुंडा एक्ट लगा दिए, गुंडा एक्ट लगा के हमें जिला बदल कर दिया। उसके बाद हम हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से जजमेंट अभी आना बाकी था, और ये हम जब हमारा जिधर बदल हुआ तो हम बनारस में जाकर रहने लगे। उसके बाद पुलिस हमारे घर में आकर लड़कियों को मारकर उनकी आत्महत्या कर दी। क्या मांग है आप? जी क्या मांग है आप? जी हमको इंसाफ चाहिए, न्याय। मामला करवाया तो चंदोली पुलिस ने भी सफाई दी। पुलिस ने कहा कि घर में किसी कारण से ये मौत हुई है, लेकिन घर की छोटी बेटी जो बता रही है उसे आपको सुनना चाहिए। सर घर पे कोई नहीं था, हम 2 बहनें थे, 4 बोलेरो पुलिस आई, उसमें उदय प्रताप एसओ थे, वो सहित लेडीज पुलिस आई थी, डायरेक्ट घर में घुसे लोग, हम लोग छत पे थे, हम नीचे दरवाज़ा बंद करने के लिए आए, तब तक ये प्रवेश कर घर में प्रवेश कर चुके थे, मेरे विरोध करने के बाद इन लोगों ने मुझे मारा। उसके बाद मेरी दी को मारते मारते उस रूम में ले गए, उसके बाद हमको इस रूम में 8-10 लोग मारते रहे, और उस रूम में दी को दो लेडीज़ पुलिस और 8-10 पुलिस वाले मारते रहे, दी चिल्ला रही थी कि गुंजा किसी को बुलाओ, बचाओ बचाओ, लेकिन नहीं, फिर दी की आवाज़ बंद हो गई, हमको सर क्या आप लोग कर रहे हैं, ये सब क्या कर रहे हैं सर, उसकी शादी पड़ी है सर, मेरा एग्जाम है, आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, हम पे कोई केस नहीं, उसके बावजूद भी हम लोग को प्रताड़ित क्यों किया जा रहा है। उसके बाद ये लोग कुछ बोले नहीं, करें तुम लोग गुंडे की बेटी हो और तुम लोग को तुम लोग का घर गिरवा देंगे, तुमको तुम लोगों को रोड पला देंगे सर, ऐसी धमकी देने के बाद सब चले गए। जब 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 हम उस रूम में गए तो देखे तो दी पंखे से लटकी हुई थी, इनको मार कर सर बेल्ट का निशान था, उनको मार कर साड़ी से टांग कर और 2-4 साड़ी गिछी। चंदोली पुलिस की माने तो कन्हैया यादव पर कुल 6 मुकदमे हैं। साल 2013 में पहला मुकदमा दर्ज हुआ, दूसरा मुकदमा 2017 में, तीसरा 2018 और चौथा मुकदमा 2020।
पांचवा मुकदमा 2021 में कन्हैया पर दर्ज किया गया। अगर कन्हैया की बात करें तो मारपीट जैसे मामलों पर कन्हैया के खिलाफ ये मुकदमे दर्ज हुए। अगर कन्हैया के बेटों की बात करें तो नारायण यादव और विजय यादव पर भी तीन तीन मुकदमे दर्ज है। 2020 और 21 में मुकदमे दर्ज किए गए। कन्हैया यादव की बेटी पर भी मुकदमे दर्ज हैं। कन्हैया यादव की बेटी गुड़िया उर्फ निशा यादव, जिसकी हत्या का आरोप पुलिस पर है, उस पर भी दो मुकदमे 2021 में दर्ज हैं। वहीं बेटी गुंजन यादव, जो कि उसकी छोटी बेटी है, उस पर भी 2020 में मुकदमा दर्ज है। ऐसे में पुलिस जब जबिश देने पहुंची तो आरोप है कि पुलिस ने दोनों बेटियों से मारपीट की और इसी दौरान बड़ी बेटी की मौत हो गई। आरोप है कि पुलिस ने मामले को दबाने के लिए उसके शव को पंखे से लटकाया और इस एंगल को आत्महत्या का एंगल देने की कोशिश की है। हालांकि मामले पर बवाल जारी है। समाजवादी पार्टी ने भी इस मुद्दे को गरमाया है, लेकिन आरोप खाकी पर लगे हैं। अब देखना होगा कि आखिर मामले में कौन सच्चा और कौन झूठा। जो पुलिस NBW का तलाशी में यहाँ गांव में आए थे और यहाँ आने पर जो है वो वारंटी यहाँ नहीं मिला है और उनका बेटी का डेड बॉडी मिलने का जो सूचना मिली है, तुरंत कप्तान साहब को ये सूचना मिली, फिर यहाँ जो है फिर पब्लिक ने जाम लगा दिया। जाम लगाने के बाद एक एम्बुलेंस के साथ तोड़फोड़ किया था और साथ में एक सिपाही और एक होमगार्ड के साथ मारपीट किया और ये परिवारजनों के द्वारा ये आरोप लगाया था। इंस्पेक्टर जो है जब यहाँ वारंट के लिए यहाँ घर पर आए थे तो ये बड़े वाला लड़की जो निशा यादव है उनके साथ मारपीट किया है और मारपीट करने के उपरांत उनका डेथ हो गई। इस तरीके से उनके ऊपर इंस्पेक्टर के ऊपर आरोप लगाया और उनसे तहरीर भी SP साहब के द्वारा प्राप्त किया गया है और उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की।